शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी जिंदल के खिलाफ पिछले एक महीने से ज्यादा धरने पर बैठे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, कुछ लोगों द्वारा इस चीज की भ्रांति फैलाई गई है कि ये ब्लास्टिंग के द्वारा हुआ है, क्योंकि ब्लास्टिंग को ये लोग बहुत सस्ते तरीके से और आसान तरीका खोजते हैं किसी भी डैमेज को प्रूव करने के लिए। हमारी ब्लास्टिंग 1 से 2 बजे के बीच में निर्धारित है और 1 से 2 बजे के बीच में ही होती है, उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, बाहर से गाड़ी आती है और वो अपनी ब्लास्टिंग करके चली जाती है। जबकि लोगों का ख्याल ये है कि हम रात बेरात जो है ब्लास्टिंग करते रहते हैं, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है और आज तक के इतिहास में, पिछले 8-9 साल के इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमने कभी रात को ब्लास्टिंग करी हो। और जितने भी यहाँ पर काम कर्मचारी हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो, गांव में जो ब्लास्टिंग सुरास में होती है, धूलगढ़ा में होती है, उनसे पूछ सकते हो कि भाई ब्लास्टिंग का टाइम क्या है, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा आपको कि इतने बजे इनका ब्लास्टिंग होती है। मकानों में जो दरार आ रही है उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, या जिंदल पे जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, मकानों के दरार आने का कारण हमने भी नेट में बहुत सारी चीजें बहुत जगह ढूंढे इस तरह की कि किन कारणों से मकानों में दरार आ सकती है, किस कारणों से छतें फट रही हैं, तो हमें मालूम पड़ा कि कोटा में भी इस तरह के वाकयात हुआ थे। 2019 का ही जनवरी का एक न्यूज़पेपर था जिसमें उनको न्यूज़पेपर ये दिखाया गया कि नालियां टूटी फूटी थी, क्षतिग्रस्त थी, उसकी वजह से पानी का रिसाव जो है नींव में हुआ और उनमें दरार आ गई, छत फट गई, दीवार फट गई उसमें। इसी तरीके से कोटा के अलावा भी जो है बीकानेर में भी पानी का पाइप नीचे से अंडरग्राउंड जा रहा था पीने के पानी का, उसमें धीरे धीरे करके रिसाव हुआ और एक समय ऐसा आया कि वो रिसाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि नींव धंसने शुरू हो गई और दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गई। इसी तरीके से बल्लभगढ़ हरियाणा का भी हमने निकाला था उसमें, और यूपी में भी हमने जो है हमीरपुर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कारण जो सामने आया है वो आया है पानी के रिसाव का और टूटी फूटी नालियों का, जिसकी वजह से वो मकान जो है धसने के फटने के कारणों का, उसमें सभी का जो कारण उन्होंने बताया था उसमें पानी ही एकमात्र ऐसा था। यहाँ पर भी पूर्व में भी हमें ऐसा लगता है कि जब से चंबल का पानी आया है, पानी की यूटिलाइजेशन, पानी की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ गई है, और क्योंकि यहाँ की कलेक्टर साहब ने भी एक लेटर निकाला था नगर परिषद के लिए कि नालियों के को जो है दुरुस्त किया जाए, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, तो हमारा अंदेशा यही है कि लोगों ने जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दिया है और वो पानी का रिसाव अपने ही नींव में, उनके या पड़ोस के नींव में जा रहा है, क्योंकि नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ मेरे ख्याल से काफ़ी समय से रिपेयर नहीं हुई हैं, और कई ग्राउंड में भी, स्कूल के ग्राउंड में भी इस चीज़ को चेक किया गया है कि भाई पानी निकल रहा है ग्राउंड से, और चेक करने पर पता चला कि इसका TDS बहुत हाई है, तो ये जो है सीवेज वाटर है जो गांव के नालियों के द्वारा रिसाव के कारण निकल रहा है। तो ये भ्रांति है, हमारे को एक सॉफ्ट टारगेट करके जनता को गुमराह किया जा रहा है इस चीज़ के बारे में कि भाई हमने जो है ये हमारे ब्लास्टिंग की वजह से वो है। ये साइंटिफिक ब्लास्टिंग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है, लाखों रुपए हम खर्च करते हैं इसमें, तो कोई भी कंपनी कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगी जिसमें किसी का नुकसान हो करके कंपनी का फायदा हो, खासकर उन गांव का जिनके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं विकास कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने पूर्व में विकास कार्य नहीं किए, पूर्व में भी हमने किए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट आती है, जो जो हमारा बजट होता है, 6 करोड़ रुपए तो हमारा नगर परिषद को चला जाता है साल भर का, अब वो नगर परिषद अगर नालियां नहीं ठीक करती है या पार्क नहीं मेंटेन करती है तो ये तो सरकार का देखने का वो है कि सरकार देखेगी इस चीज को। हम तो अपनी तरफ से अपना जो 6 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो समय पर कर देते हैं, उसके अलावा 2-2.5 करोड़ रुपया हम ऊपर से जो नियर बाय विलेजेस हैं, गांव हैं, उस पर लगाते हैं ताकि जो है गांव का भी साथ साथ में उत्थान हो, गांव में भी लोग जो है साथ जुड़े हमारे और ये साथ मिलकर के आगे बढ़े, हम प्रगति करें। ये यहाँ पे जो नाला है, नाले में क्या बहुत ज्यादा गंदगी होती है और इसी वजह से क्या है पानी भरा रहता है, और पानी की वजह से क्या है कि नीमों में इधर उधर पानी जाता है, इससे मकान में कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी ये बैठ सकते हैं, और दूसरी इसकी इस गंदगी की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, इससे बीमारी फैलती है, आए दिन हॉस्पिटलों में भगना पड़ता है मलेरिया वगैरह, और आए दिन मतलब इसकी बहुत भारी समस्या है ये, और कर्मचारी आते हैं खाली फॉर्मेलिटी करके और वापस चले जाते हैं, खाली बाहर से कचरा निकाल देते हैं, बाकी इसकी एक्चुअली पूरी कंप्लीट सफाई कभी हुई नहीं। जिंदल से मकान की दरारें आ रही हैं, मकान फट रहे हैं और मकान गिरने की स्थिति में है,
मुनी से मर भी सकते हैं कोई, और यह पानी का जो बता रहे हैं वो पानी का नहीं है, नाली का भी नहीं है, सड़क और किसी नहीं, अंदर किसी का दबाव नहीं है, और जिंदल का ही है, उसमें हमारी नालियाँ कोई गहरी भी नहीं है, इतनी है पानी बह के चला जाता है। ये पास में नाला निकला हुआ है और जो इसमें बराबर सफाई होती नहीं, साल दो साल ऊपर हो गए, और गंदगी, कम से कम गंदगी और मच्छर और ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं, कोई सुनाई ही नहीं देता है, किसी को कहते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, और नगर परिषद भी आती तो देख के चली जाती है, थोड़ा बहुत पानी को मतलब रास्ता किया चली जाती है, बार बार सफाई नहीं करते हैं, और कर्मचारी आते हैं तो भी उनको कहते हैं जो और चिढ़ पड़ते हैं, और मोहल्लेवासी भी कह के मतलब हम परेशान हो गए हैं। नाले में पानी भरा हुआ है, पानी दीवारों के अंदर रस रहा है, और इस नाले की वजह से बहुत सारी गंदगी अभी भी आकर के मौके पे देखा जा सकता है, नीम में पानी उतर रहा है और टूटने की भी संभावना है, बाद में मतलब दरारें आ जाए तो किसकी कौन कह सकता है। अभी वर्तमान में पुर के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो केवल और केवल मकानों का ढसना और अपना जान और माल सुरक्षित नहीं है, उसकी सबसे बड़ी चिंता है। मकान तो स्वाभाविक है, जब से जिंदल आया है, जब से पुर के मकान ढसने लगे हैं, तो ये कोई स्वाभाविक नहीं है कि किसी के नीम कमजोर होगी या नाली का पानी चला गया होगा, ये सब बहाने हैं। मूल कारण केवल और केवल जिंदल के जो अवैध ब्लास्टिंग होती है, और जब से इसने अवैध ज़्यादा ब्लास्टिंग और पुर की तरफ ये बढ़ने लगा है, जब से ये ब्लास्टिंग होने लगे कारण उसके कारण से मकानों में दरारें आई है, और इन दरारों के कारण से आज एक कोई आदमी मरा नहीं है, ये हमारा सौभाग्य पुर वालों का। बाकी जिस दिन अगर बड़ा बहुत बड़ा हादसा हो गया तो जिंदल के और प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप पुर में किसी अंधे बहरे लूले लंगड़े को भी ले जाओगे, उसको अगर पूछोगे कि भाई ये किस कारण से हो रहा है, तो बच्चे का ये मानना है कि जिंदल के ब्लास्टिंग के कारण से हो रहा है। प्रशासन को आज नहीं, कल नहीं परसों ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये विस्फोट के कारण से ही ये मकान में और ये जो नुकसान हो रहा है इसी कारण से हो रहा है। इसमें लीपापोती करने से समस्या समाप्त नहीं होगी। नगर परिषद के कारण से अगर होता तो नगर परिषद की पाइपलाइन तो आप 8-10 महीने हो गए, आपको बदलवा देनी चाहिए थी। मतलब आप अगर आपको ये पता चल गया है कि नगर परिषद के कारण से, तो उस समस्या की तह तक पहुंच के खत्म कर देना आप। हमको तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई नगर परिषद की पाइपलाइन से या नगर परिषद की नालियों से ये लफड़ा हो रहा है। हमने जितनी बार उनसे बात की, संघर्ष समिति के साथ भी गए, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अंदर खाने तो वो भी मान रहे हैं कि हाँ ये जिंदल से है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है उनकी।